हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के शो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके फोन में बैक कैमरा है और आप अपने बैक कैमरा से सिर्फ फोटो खींचते हो या फिर वीडियो बनाते हो तो यहां पर आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो क्योंकि आप अपने बैक कैमरे से यहां पर काफी सारे जबरदस्त काम और भी कर सकते हो। आप यहां पर फोटो और वीडियो तो बना ही सकते हो, साथ ही में यहां पर आप अपने बैक कैमरा का यूज करके काफी सारे काम भी कर सकते हो जो आपको अभी तक नहीं पता होगा कि आप अपने बैक कैमरे से ये काम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के शो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते कि वो क्या चीज है या फिर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि वो जो चीज है वो आपको कहां मिलेगी, तो ऐसे में यहाँ पर आपके फोन में जो बैक कैमरा है यहाँ पर वो आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कौन से एप्लीकेशन है, किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले यहाँ पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार, जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, काफी कमाल की वीडियो होने वाली है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे उनको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बगल में आपको घंटी का आइकन दिखेगा तो इसे भी आप दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाए। इसके अलावा यहां पर आप सभी को एक छोटा सा काम और भी करना है, तो यहां पर आपको जाना है नीचे और नीचे जाने के बाद यहां पर आप सभी को एक छोटा सा कमेंट और भी करना है, तो यहां पर आपको कमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको लिखना है कैमरा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख देना है कैमरा, उसके बाद यहां पर आपको लिखना है ट्रिक, ठीक है। तो यहां पर आप ट्रिक लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको इसे सेंड कर देना है। और जैसे ही आप इसे सेंड करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूं ये कौन सी एप्लीकेशन है और किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रही वो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है इमेज रिकॉग्निशन। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, टेक ए पिक्चर का और सेलेक्ट ए पिक्चर का। अगर आप सेलेक्ट ए पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप अपनी गैलरी से किसी भी फोटो के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो फोटो किसकी है और वो जो चीज है वो आपको कहां पर मिलेगी, ठीक है। इसी के अलावा अगर आप अपने कैमरे से किसी भी फोटो को खींच के पता लगाना चाहते हैं कि वो चीज क्या है और आपको कहां पर मिलेगी, तो यहां पर आपको टेक ए पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर हम टेक ए पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मान के चलिए ये चीज मुझे नहीं पता कि क्या है और कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसका पिक्चर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर हमने इसका एक पिक्चर क्लिक कर लिया। उसके बाद यहां पर आपको राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पर ये जो फोटो है इसे रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है और ये आपको बता देगा कि ये चीज क्या है और आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा।